आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेट एंड प्रूफ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली या पार्टली इन अ लिक्विड, या पूरा डाल दो या तैर रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या आधा डालो पूरा डालो कैसे भी डालो, इट लूजेज वेट, बॉडी लूज करेगी वेट जब पानी में जाएगी या लिक्विड में जाएगी, कितना वेट लॉस करेगी, इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, तो जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही लॉस इन वेट होगा, हमने डिस्कस किया। अब मुझे इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है, क्लियर है? तो मुझे प्रूव करना है कि बॉडी का वेट W1 है हवा में और लिक्विड के अंदर W2 है, तो ये क्या है, लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, क्लियर है यहां तक? तो इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं, आप एक बॉडी को पानी में उतार दो, डाल दो पानी में, एक क्यूबॉइड है या कोई बॉडी है पानी में डाल दिया, बॉडी है ये पानी नहीं है, तो इसकी सरफेस से हाइट क्या है x, और बॉटम मोस्ट सरफेस की हाइट क्या है x प्लस h, क्योंकि इसकी खुद की हाइट h है, तो इसकी पॉइंट की हाइट क्या होगी सरफेस से x प्लस h, तो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है F2, और ऊपर का लिक्विड नीचे फोर्स लगा रहा है F1, क्योंकि लिक्विड नीचे फोर्स भी लगाएगा अपने भार की वजह से, और F2 ऊपर भी फोर्स लगता है, हर तरफ फोर्स लगाता है, लिक्विड वॉल्स पे फोर्स भी लगा रहा है, पर हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर जाती है, कैंसिल, तो उसको हम ले नहीं रहे, अदरवाइज हर तरफ फोर्स लगती है, तो साइड के सरफेस एरिया को छोड़ दिया, एक फोर्स ऊपर से एक फोर्स नीचे से, तो यहां पर जो फोर्स होगी F1, उससे पहले ये बताओ कि यहां का प्रेशर क्या होगा, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दो मिनट छोड़ दूं क्योंकि मैं प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करने वाला हूं, तो पानी पानी का प्रेशर क्या होगा एक्स रोजी, ओनली लिक्विड का प्रेशर पूछ रहा हूं, लिक्विड लिक्विड का प्रेशर क्या होगा यहां पर एक्स रोजी, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लिक्विड लिक्विड का प्रेशर क्या होगा एक्स प्लस एच रोजी, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ये स्टेप क्लियर है, तो पी वन पी टू आ गया यहां पर, और ये बताओ कि फिर ये फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो F1 की वैल्यू क्या आएगी x रो g इनटू a, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, F1 आ गया, ऐसी F2 क्या आएगा प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि x प्लस h इनटू रो इनटू g इनटू कितना a, क्या स्टेप क्लियर है, तो ऊपर से फोर्स आ गई नीचे से फोर्स आ गई, एक बात बताओ ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स में से कौन सी फोर्स बड़ी है, F1 की F2, F2, तो नेट फोर्स जो पानी लगाएगा वो कितना होगा F2 माइनस F1, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी अपवर्ड, और फोर्स को क्या बोलते हैं थ्रस्ट, तो इसी का नाम क्या है अप थ्रस्ट, तो अप थ्रस्ट क्या होता है, अप थ्रस्ट होता है कि किसी भी बॉडी पे लिक्विड ने ऊपर से भी फोर्स लगाई नीचे से भी फोर्स लगाई, तो नेट फोर्स क्या लगाई, नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू F2 माइनस F1, इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि अपथ्रस्ट कहां से आया, अपथ्रस्ट होने का रीजन क्या है, अपथ्रस्ट होने का रीजन है लिक्विड की नेट फोर्स जो कहां एक्ट करती है इन वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक हो गया यहां तक, और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी F2 माइनस F1, ये देखो ये मैंने P1 निकाल लिया, ये मैंने P2 निकाल लिया, ये मैंने इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया प्रेशर को तो फोर्स F1 आ गई, ऐसे ही इसको प्रेशर को A से मल्टीप्लाई किया F2 आ गई, F2 ग्रेटर देन F1 है तो अब थ्रस्ट क्या होगा F2 माइनस F1, तो F2 इसको ओपन करेंगे X A X रो जी कैंसिल, सॉल्व करके क्या आएगा A H रो जी, इसे जब ओपन करेंगे तो A H रो जी आएगा, अब A इंटू H क्या है, ये A है और ये H है, तो क्या बनेगा इसका टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे तो अब थ्रस्ट क्या आएगा, अब थ्रस्ट में AH का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसकी चल रही है लिक्विड की इनटू G, तो ये क्या आ गया अब थ्रस्ट, वैसे अब थ्रस्ट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको शॉर्टकट पहले ही बता दिया था, क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि जितना बॉडी का वॉल्यूम उतना लिक्विड का वॉल्यूम, और डेंसिटी किसकी लिक्विड की इनटू G, तो अब थ्रस्ट हमने प्रूव किया कि अब थ्रस्ट इसके इक्वल है, अब मुझे बताओ कि अगर बॉडी का वेट W1 है हवा में और अब थ्रस्ट माइनस हो गया तो नेट वेट पानी में क्या आएगा W2, W1 में से अब थ्रस्ट माइनस किया तो W2, तो W1 माइनस W2 क्या है U, और U की वैल्यू यहां पर हम क्या निकाल चुके हैं V रो जी, राइट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं V का मतलब
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एक ही बात है, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम यहां पर सेम है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी लिक्विड में है, तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना लिक्विड का वॉल्यूम है। ये डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की, और ये जी से मल्टीप्लाई करके ये क्या आ गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि अपथ्रस्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो ये तो प्रूव करना था कि लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यही इसका प्रूफ है, लॉस इन वेट अपथ्रस्ट या लॉस इन वेट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक ही बात है। क्लियर है यहां तक?